नमस्कार, गाजीपुर की टॉप 5 खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जखनिया कस्बा के भुरकुड़ा मार्ग पर रेलवे स्टेशन के उत्तरी केबिन पर वाराणसी से मऊ जा रही मालगाड़ी के रैक ट्रैक पर खड़े होने से लंबा जाम लग गया। तेज धूप में जाम में फंसे लोग कराहते रहे। भुरकुड़ा जाने वाली सड़क तक मालगाड़ी खड़ी होने से रेलवे का गेट पौन घंटे तक बंद रहा, जिससे भयंकर जाम सब्जी मंडी तक व पूर्व की ओर ब्लॉक मुख्यालय तक लग गया, जिससे चार पहिया व दो पहिया वाहनों की लंबी कतार लग गई। रेलवे फाटक पर दोपहर 2:30 बजे वाराणसी से मऊ जाने वाली मालगाड़ी के लिए रेलवे फाटक बंद हुआ। मालगाड़ी लंबी होने से सड़क पार तक खड़ी हो गई। फिर भी लोगों ने जल्दीबाजी में रेलवे पटरी में अपने बाइक को निकाल रहे थे, तभी दादर काशी एक्सप्रेस मेल ट्रेन के 3:04 पर जखनिया स्टेशन पर आई, जिसे गोरखपुर के लिए रवाना होने के बाद ही आवागमन के लिए गेट खुलने पर लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोग जल्दबाजी में जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी में अपनी बाइक पार्क करते रहे। वहीं 3:21 पर मालगाड़ी मऊ की तरफ रवाना हुई, तब तक मनिहारी फद्दूपुर मनिहारी मार्ग प्रभावित रहा। जिले में इन दिनों बाढ़ का कहर जारी है। मोहम्मदाबाद तहसील के कई गांव सहित अन्य कई ग्रामीण क्षेत्रों के गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरगोविंद सिंह के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद की टीम बाढ़ प्रभावित इलाके शेरपुर बसाऊ का पूरा, छानवे सिवराय का पूरा एवं सेमरा में पूरी चिकित्सा की टीम के साथ पहुंचकर लोगों की जरूरत के अनुसार दवा वितरण एवं मरीजों को देखने का काम किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष राय ने बताया कि शेरपुर सहित कई गांव में गंगा का पानी आने के बाद लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरगोविंद सिंह के निर्देश पर देने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर फार्मासिस्ट विक्रम देवदयाल, LT चंदन, राम भजन, आदर्श कुमार BHW के साथ ही स्थानीय ANM एवं आशा वर्कर मौजूद रहीं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी अंचल के क्षेत्र महाप्रबंधक विकास कुमार जिले में आगमन हुआ। नगर के महुआबाग स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्र प्रमुख KP सिंह एवं उप क्षेत्र प्रमुख अरशद इस्तियाक ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। क्षेत्र प्रमुख ने सभागार में स्वागत भाषण के बाद क्षेत्र की उपलब्धियों के संबंध में क्षेत्र महाप्रबंधक को अवगत कराया। तत्पश्चात 3 बैंक मित्र पॉइंट एवं जंगीपुर शाखा का क्षेत्र महाप्रबंधक ने निरीक्षण किया। महाप्रबंधक ने क्षेत्रीय कार्यालय के सभागार में चयनित शाखा प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें पिछले त्रैमास के लक्ष्य एवं उपलब्धियों पर शाखावार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान क्षेत्र प्रबंधक ने शाखाओं को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। पिछले त्रैमास में लक्ष्य को प्राप्त करने वाले शाखाओं को सम्मानित भी किया। क्षेत्र महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्वांचल में व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। सभी शाखाएं अपने कार्य क्षेत्र में संभावनाएं तलाशें एवं अधिक से अधिक ऋण वितरित करवाएं। गाजीपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को कार्यालय पर बैठक हुई। इसमें बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध, किसानों पर अत्याचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ 9 अगस्त को निकालने वाली पदयात्रा को सफल बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। यह प्रदेश सचिव डॉक्टर राहुल राजभर के नेतृत्व में निकाली जाएगी। संगठन प्रभारी हिमांशु श्रीवास्तव ने शहर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों सहित 25 वार्डों के अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं से पदयात्रा में शामिल होने की अपील की। इस दौरान मनीष कुमार राय, सदानंद गुप्ता, रतन तिवारी, अभय गुप्ता, अनुराग पांडे, अरुण कुमार श्रीवास्तव, रईस अहमद, संदीप विश्वकर्मा, अभय कुशवाहा, शक्ति आनंद आदि मौजूद रहे। गाजीपुर के बहदिया निवासी रेणु देवी और इंदु देवी में पंपिंग सेट के पानी को लेकर विवाद होने लगा। देवरानी जेठाने के बीच हो रहे विवाद पर देवर योगेंद्र यादव मौके पर जाकर भाभी इंदु देवी को मारने पीटने लगा। मां को पीटता देख उसकी दोनों बेटियां मनीषा और प्रीति उसे बचाने पहुंची। इस वक्त दोनों लड़कियों पर भी टूट पड़ा। दोनों किशोरियों को गंभीर रूप से मारपीट कर घायल कर दिया। इंदु देवी की शिकायत पर तीनों घायलों का मेडिकल करा। पुलिस योगेंद्र सहित उसकी पत्नी रेणु के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।